हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 12th लेक्चर ऑफ क्लास 9C इन हिंदी मीडियम। मैं प्रदीप कुमार भास्कर आपके 12th लेक्चर ले रहा हूँ और इसमें दूसरा आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वास्तविक संख्याओं के घातांक। तो इसमें देखिए a पावर n, पहले सूत्रों को देख लेते हैं। a पावर n को किस रूप में लिख सकते हैं, जितनी घात रहेगा उतने रूप में लिख सकते हैं, a गुणे a गुणे a गुणे n बार। तो a पावर n को n बार लिख सकते हैं, a पावर माइनस n को 1 अपॉन a पावर n। यदि a एक वास्तविक संख्या है, m n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, तो a पावर n गुणे a पावर n रहेगा जब गुणा में रहेगा। और देखिए आधार अगर बराबर है, अगर बेस बराबर रहेगा तो हमारा घात आपस में जुड़ जाएगा, a पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यदि a एक अशून्य या नॉन जीरो वास्तविक संख्या है तो m n धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या होगा, a पावर n अपान a पावर n क्या हो जाएगा, a पावर m माइनस n यानी घट जाएगा। यानी गुणे में रहेगा तो यह घात जुड़ जाएगा, और भाग में रहेगा तो आधार अगर समान है तो यह घात घट जाएगा। तो स्थिति क्या कहलाता है कि अगर m इज ग्रेटर देन n, अगर यह m बड़ा है तो a पावर m अपान a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n हो जाएगा, और बराबर रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, शून्य होगा, a पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। यदि m इज लेस देन n है तब क्या हो जाएगा, a पावर n अपान a पावर n, तो 1 अपान a पावर n माइनस m हो जाएगा। यानी यह जब ऊपर जाएगा तो यह माइनस साइन हो जाएगा माइनस एन माइनस एम विच इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। और किसी वास्तविक संख्या ए तथा धनात्मक पूर्णांक एम और एन के लिए, अगला देखते हैं कि वास्तविक संख्या ए तथा धनात्मक पूर्णांक एम एन के लिए क्या होगा, ए पावर एम पावर एन इक्वल टू ए पावर एन पावर एन। यानी घात के ऊपर घात रहे, चाहे एम घाते एन रहे चाहे एन घाते एम रहे, दोनों का मतलब यम यन हो जाएगा, यानी कि घात आपस में गुणा हो जाएंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। जैसे तीन घाते दो घाते तीन दिया है, तीन घाते दो घाते तीन है, तो यह घात आपस में क्या हो जाएगा, इसी रूप में है तो यह क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो तीन घाते छह हो जाएगा, और छह बार इसको गुणा कर लेंगे और इसका मान 729 आ जाएगा। इसी प्रकार 125 घात 1/3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 125 को अगर गुणनखंड के रूप में लिखे तो 5 × 5 × 5 यानी 5 घाते 3 अगुड़े 1/3 हो जाएगा, 1/3 बाहर था तो यह कट जाएगा, हो जाएगा 5। इसी प्रकार से अन्य सूत्र है, a पावर n गुड़े a पावर n बराबर a प्लस a पावर m प्लस n। इसी तरह a भागे m अपान n इक्वल टू a पावर m ब्रैकेट में 1 अपान n बाहर, या फिर 1 अपान n अंदर लेंगे तो बाहर m हो जाएगा। a पावर m भागे a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n, और a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m n। इसी क्रम में a पावर माइनस n क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a पावर n हो जाएगा। और देखिए nth रूट ऑफ a पावर m क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ, यहाँ देखिए mth रूट है, यहाँ अगर यहाँ पे n है a पावर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट nth रूट ऑफ m। ये यहाँ पे a रहेगा, यह m आपका बाहर चला जाएगा, जो यहाँ पे है यह बाहर हो जाएगा। a b पावर m अगर है तो a पावर m b पावर m अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह a अपान b पावर m है तो a पावर m अपान b पावर m हो जाएगा। चलिए प्रश्नावली 2.1 का कुछ सवाल हल करते हैं। इसे पहला प्रश्न है, देखिए 5 पावर 8 / 5 पावर 3 है, देखिए आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 3125 हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ देखते हैं, 2/11 / 4 × 11/3 / 2 × 3/2 / 3 है, तो इसको घात रूप में लीजिए। देखिए 2 घाते 4 हो जाएगा, यहाँ 11 घाते 4 हो जाएगा, गुड़े 11 घाते 2 / 3 घाते 2 / 3 घाते 3 / 2 घाते 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2 है, 2 घाते 4 हो गया, अब नीचे भी 2 घाते 3 है, यह जो है घट जाएगा, तो 4 - 3 हो जाएगा। इसी तरह 11 घाते 2 है, अब यहाँ 4 है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ घट जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 घाते 3 है, यहाँ 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस क्रम में क्या जाएगा, 2 घाते, यहाँ देखिए 4 - 3 = 1, 11 में से 11 घाते क्या जाएगा, -2 और 3 घाते 1। इसको हल कर लेंगे, देखिए 2 घाते 1 × 3 यहाँ ऋण में है तो ये नीचे आ जाएगा 11 घाते 2 यानी 6/11 × 11 यानी 6/121। इसी क्रम में 14वें प्रश्न को देखिए, 2 घाते n + 2 घाते n - 1 / 2 घाते n + 1 - 2 घाते n। इसमें ध्यान से इसे गुणा के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 घाते n + 2 घाते n / 2 घाते n - 1 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 2 घाते n / 2 घाते 1 - 2 घाते n। अब इसमें देखिए 2 घाते n, इसमें भी 2 घाते n, इसमें भी 2 घाते n, और इसमें 2 घाते n, तो ऊपर भी 2 घाते n कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ है बाहर निकल जाएगा, नीचे भी 2 घाते n कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचे क्या, यहाँ बचेगा 1, इसमें से निकल जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 घाते -1।
इसी प्रकार बचेगा यहाँ दो खाते एक माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा एक धन, ये माइनस है तो एक बटा दो हो जाएगा वन अपॉन टू, और यहाँ जाएगा टू माइनस वन, तो यह क्या जाएगा ये देखिए तो कट गया, यहाँ क्या बचेगा थ्री बटा टू अपॉन वन यानी थ्री बटा टू। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे सत्रहवा, तो सत्रहवा देखिए यदि टू पावर फाइव एक्स घाते टू पावर एक्स है इक्वल टू इतना दे रखा है, तो सबसे पहले क्या है ये आधार बराबर है तो घातों को घटा लेंगे और इसको घात के रूप में लिख लेंगे, तो घात के रूप में ये अंडर रूट फाइव है, फिफ्थ रूट ऑफ फाइव है तो वन अपॉन फाइव हो जाएगा, यह गुणा करके चार हो जाएगा, अब यहाँ पे घटाने के बाद चार एक्स हो जाएगा, तो दोनों को घातों की अगर तुलना कर देंगे तो चार एक्स बराबर चार तो एक्स बराबर एक।